बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रज़ाक चिनोटी फर्नीचर डॉट कॉम की जानिब से। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं चिनोट के खूबसूरत बेड के बारे में, जो कि चिनोट के अंदर पहाड़ी वाले बेड के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करें हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं बेड के बारे में। तो दोस्तों ये जो बेड आप देख रहे हैं इस टाइम, ये शीशम की लकड़ी के अंदर बना हुआ है टोटली। तो ये जो इसके पावे हैं, ये पिलर जो इसके लगे हैं, ये ठोस नुमा लकड़ी के लगे हैं, और ये जो दिल लगे हैं मुकम्मल ये शीशम की लकड़ी के अंदर लगे। काफ़ी अच्छा बेड है और काफ़ी अच्छी लकड़ी इसको लगाई हुई है इन्होंने। इसकी बेड की हाइट की बात कर ली जाए तो बेड की हाइट जो है वो कम से कम इसकी 6.5 से 7.5 फुट के अंदर अंदर इसकी हाइट है। तो जो ये जो आप जो मनवत ये देख रहे हैं, ये मनवत ये हाथ की कढ़ाई की हुई है, हाथ से मनवत ये सारी हुई पड़ी है। तो ये दिल इसकी बैक साइड से लगे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बेड आप देख रहे हैं, ये कम से कम 2 से 3 बंदे मुश्किल इसको अकेले पल्ले को उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये बेड परचेज़ करना हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप बेड के बारे में कोई भी बात जाननी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं के अंदर। तो दोस्तों अब बात कर लेना इसके ये श्रृंगार मेज़ के जो ड्रेसिंग टेबलें होती हैं उनके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके डिब्बे के बारे में। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो इसके दराज हैं, जिसके चैनल जो यूज़ हुए पड़े हैं, ये आप देख रहे हैं ये वाइट कलर के हैं। ये सालट में इसकी लकड़ी लगी हुई है, अंदर वाली चीपें जो शीटें लगी हुई हैं इसकी सालट की हैं लकड़ी की। तो ये इसकी जो टेबलें की अंदर की वाली साइड से बात कर लिया है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये तला इसका कमर्शियल का है, और ये बैक साइड जो आप देख रहे हैं ये इसकी प्लाई की लगी हुई है। तो इसकी जो ताकड़ियाँ आप देख रहे हैं ये शीशम की लकड़ी के अंदर इन्होंने निकाल के लगाई हुई हैं, ठीक है। ये ऊपर मनवती बनी है, ये ऊपर छठी जो है वो अलायदा से इन्होंने लगाई हुई है। और टेबल की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो वो कम से कम मेरा ख्याल है कि 24 इंच जो है ना इसकी 2 फुट के अंदर चौड़ाई है इसकी, और हाइट जो इसकी टेबल की है वो मेरा ख्याल है 2 फुट से 2.5 फुट के अंदर अंदर इसकी हाइट है। तो अब बात कर लेते हैं इसके ड्रेसिंग के बारे में। तो ये जो आप ड्रेसिंग इसका देख रहे हैं, तो ड्रेसिंग बात कर लेते हैं तो ये जो आप ड्रेसिंग देख रहे हैं ये सेंटर के 3 दराज हैं इसके, ये वाला एक ये भी है, वो भी 3 दराज के डले हुए हैं। तो 3 इसकी ताकड़ियाँ हैं, ये देखें ये भी 1, 2 और 3, ये तीनों इसकी ताकड़ियाँ लगाई हुई हैं और 3 दराज हैं इसके। टॉपों की बात कर ली जाए अगर उस पर, तो काफ़ी अच्छा टॉप लगाए हुए शीशम की लकड़ी के अंदर इसके टॉप लगे हुए हैं। तो बात कर लेते हैं अब इसके फ्रेम के बारे में, तो मैं आपको फ्रेम इसका दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके फ्रेम के बारे में। तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये इस टाइम मुकम्मल शीशम की लकड़ी के अंदर, अच्छी लकड़ी के अंदर बना हुआ है। ये इसके जो इसकी लेग्स हैं ये काफ़ी 2 से 3 इंची की ये लेग्स लगाई हुई है मोटी इन्होंने। बट इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो ये मेरा ख्याल है 4 से 4.5 फुट के अंदर ये इसकी हाइट है। तो ये श्रृंगार में इसके ऊपर जो पीछे शीशा फ्रेम होता है ये वो शीशा फ्रेम है, तो इसके अंदर काफ़ी मोटी और अच्छी लकड़ी इन्होंने यूज़ की हुई है। जी तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आपको? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों अगर बेड के बारे में कोई भी आपने बात जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप ये बेड परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।